हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, अभी हम देखो जा रहे गाड़ी में। सृष्टि बहुत जिद करती है कि मुझे बाहर ले चलो, बाहर ले चलो, घर में रुकती नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको डेली गाड़ी में लेके आ जाते हैं और इसको बाहर घुमा के लेके आते हैं। सृष्टि बहुत खुश हो जाती है। सृष्टि ये मेरी बेटी है और अभी हम जा रहे हैं बाहर सृष्टि को घुमाने के लिए। मेरा नाम है रेखा और सृष्टि मेरी बेटी है। तो अभी हम जा रहे हैं, देखो दिल्ली है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन अभी थोड़ा कम लग रहा है। काफ़ी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इंसान बाहर जाए ना घूमने के लिए आधा घंटा तो ट्रैफिक में ही फंस जाते हैं। तो अभी हम जा रहे थे और ये है दिल्ली। गाइस, ये आगे जूस की दुकान। हमने सोचा चलो बाहर आए हैं तो चलो जूस ही पी लेते हैं, कुछ हेल्दी हो जाए, क्योंकि जूस पीना बहुत ही अच्छा होता है। ये हम मौसमी का जूस हस्बैंड बनवा रहे थे। हमने सोचा चलो जूस ही पी लेते हैं, बाहर आए हैं तो अच्छा रहेगा। मॉर्निंग का समय था और हम ज़्यादातर इन्हीं भैया से जूस पीते हैं क्योंकि ये अच्छा बनाते हैं काफ़ी। ये देखिए यार, मौसमी का जूस है ना काफ़ी अच्छा लगता है, बट है ना वो घर पे अच्छे से निकल नहीं पाता है क्योंकि उसके लिए ना मशीन जो दूसरी होती है वो वाली मशीन होनी चाहिए। और ये छोटा सा बेटा, वो कोई मतलब था, हस्बैंड ने इनको भी जूस पिलाया। वो पैसे मांग रहे थे तो इन्होंने पैसे नहीं दिए, जूस पिला दिया। ये अच्छा है, पैसे मत दो। जो भी कोई हमसे पैसे मांगते हैं उनको पैसे मत दो, उसको कुछ सामान दिला दो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। पैसे का पता नहीं ना वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वही मेरे हस्बैंड मेरे को जूस लेके जा रहे हैं और वो सिस्टी बैठी है, उसका मैं बनाना खिला देती हूँ क्योंकि जूस है ना वो थोड़ा खट्टा होता है तो हम थोड़ा कम देते हैं उसको। और ये आगे हम NFC जूस हमने पी लिया था। ये NFC आ गए। सिस्टी को बहुत धूप लग रही थी तो हमने ये वाली कैप इसको पहना दिए। और यहाँ पे हम किसी काम से आए थे, बैंक में आए थे, बट बैंक में गए तो बैंक हमें बंद मिला। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर भी आते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो शूट करने, क्योंकि अब ये ना दिन का समय है। जब भी हम गए ना शाम के समय में, रात के समय में, इसमें इतनी क्राउड, इतनी भीड़ लगती है ना, आप आके देखना है। यहाँ पे NFC में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कपड़े से लेके हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। NFC में मेकअप का प्रोडक्ट मिल जाएगा और कपड़े मिल जाएंगे, खाने के एक से एक चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे आपको, जो यहाँ पे ले सकते हो। और शिष्ट देखो सारी चीज़ को देखती है, बड़ी खुश होती है। ये देखिए, ये है हॉल, यहाँ पे आप देख सकते हो मूवी गदर 2। यस, गदर 2 चल रही है ना आजकल। तो आप बताना आपको गदर 2 कैसी लगी, आपको गदर 1 अच्छी लगी या गदर 2 अच्छी लगी। मैंने तो गदर 1 देखी, अभी 2 तो देखी नहीं है। बच्चे में कहाँ देख पाते हैं यार, बच्चा छोटा है, बच्चे को छोड़ के जा भी नहीं सकते ना हॉल में मूवी देखने के लिए। 3 घंटे बच्चा और हॉल में लेके जाएंगे। मैंने सोचा, मैंने कहा हस्बैंड चलो हॉल में लेके चलते बच्चे को। इन्होंने कहा 5 मिनट भी दूसरों को भी परेशान कर देगी सृष्टि। तो हमने कहा ठीक है, हम फ़ोन में देख लेंगे। ये देखो कितनी अच्छी मार्केट है। अभी यहाँ पे कम क्राउड है क्योंकि अभी स्टार्ट ही कर रहे थे लोग, अभी कुछ दुकानें तो खुली भी नहीं थी। लेकिन अगर आप शाम को आओगे ना, रात में आएंगे तो इतनी अच्छी क्राउड होती है ना यहाँ पे, और धूप बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे मुंह पे ना स्वेलिंग आ रही थी क्योंकि हम सुबह के टाइम गए थे ना, तो मुंह थोड़ा मेरा सूजा सूजा लग रहा था। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ गाइस। और ये है जूते, शूज़ की शॉप है, काफ़ी अच्छे शूज़ मिलते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस भी होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है यहाँ पे। और यह शर्ट वगैरह काफ़ी कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये है लैक्मे का भी काउंटर था यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ भी बाय कर सकते हो, लिपस्टिक वगैरह कुछ भी ले सकते हो। ये देखो हमारे चेहरे पे थोड़ी थकावट आ गई थी। सृष्टि देखो हनी निप्पल लगा लेती है, बाहर निकल के तो खुश हो जाती है। पता, गाड़ी में बिल्कुल भी बैठ नहीं थी, वो मैंने कैप्चर नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं बैठी थी, उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया हमने। और ये हम आ गए थे घर पे, सृष्टि खेलने लगी अपने दादू के साथ। मैं यहाँ पे खाना बना रही थी और ये बॉल से बहुत खेलती है, कभी इस कमरे में उस कमरे में, पूरे दिन खेलती रहती है, थक जाती है। हम इसको बड़ी मुश्किल से कमरे में लेके जाते हैं, लाइट वाइट बंद करते हैं
तभी जाके सोती है, नहीं तो पूरे दिन खेलती रहती है। ये हैं पिताजी सृष्टि के दादू, ये इनके साथ खेलते हैं। जब तक मैं खाना बना रही होती हूँ तो पिताजी संभालते हैं। ये देखो मैं खाना बना रही थी किचन में, हाथ साफ कर रही थी। यार बच्चे के साथ साथ चलना ना बहुत ही, जहाँ भी बच्चा जाता है उसके साथ साथ रहना जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता नहीं बच्चा किस चीज़ को छू ले और क्या चीज़ लग जाए बच्चे को। बहुत केयर करनी होती है इस उम्र में, तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा इधर से उधर घूमता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है बच्चे के ऊपर जब बच्चा इतना छोटा बच्चा होता है। ये है सृष्टि, हमारी 1 साल 3-4 महीने की है, और ये है सृष्टि के भाई, दोनों कजिन ब्रदर। वहाँ पे सृष्टि खेलते हैं, पिताजी वहाँ पे गेट लगा देते हैं क्योंकि ना वो कमरे में जाती है, पानी वानी पड़ा होता है, गिरने का डर होता है, तो सृष्टि खेलती रहती है पूरे दिन भर। अब देखो सृष्टि है ना खेल के आराम से, इसको थक गई है और इसने थोड़ा फ्रेश भी हो गई, अब इसको नींद आ गई। यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, आज मेरा खाना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। मैं खाना खा रही थी और मैं कुछ प्रोडक्ट देख रही थी मीशो के। तो ये है मेरा छोटा सा व्लॉग। आपका व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।